हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप, आपके इंग्लिश टीचर, और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल पढ़ के ये जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस की जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। चाहे आप घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, कहीं ऑफिस में हो, किसी रिलेटिव के घर हो, किसी फ्रेंड के घर हो, किसी क्लब में हो, किसी पार्टी में हो, किसी होटल में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी कभी भी ये वर्ड्स आपके लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में आपने या तो खुद यूज़ किए होंगे अपनी लैंग्वेज में, या फिर आपने कहीं से सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को जो कि हम आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश में, और उनको यूज़ करके हम अपने इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंग्लिश सेंटेंसेस से। और आज के हमारे फर्स्ट 20 इंग्लिश सेंटेंसेस आपके लिए ये रहे। द फर्स्ट सेंटेंस इज गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली आप सुबह उठ के सबसे पहले ये काम अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, आपको सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। कहीं जाते हो, कोई मिलता है तो उसको भी रास्ते में गुड मॉर्निंग विश ज़रूर करना चाहिए। ये अच्छी आदत है, इसे आप सीखिए और देखिए आपका इंप्रेशन भी दूसरों पर अच्छा पड़ेगा जब आप सुबह सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश करोगे। और सेकेंड सेंटेंस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। आज का दिन कितना सुंदर है। अगर आप उठे हो सुबह सुबह, आपको दिखा कि बाहर आज मौसम आपके पसंद का है, तो आप ये वर्ड ज़रूर बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। और थर्ड सेंटेंस इज आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। मीन्स जब आपकी मम्मी पूछे सुबह कि अपने खाना खा लिया कि नहीं, तो आप बता सकते हो कि मैंने अपना खाना खा लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। फोर्थ सेंटेंस इज आई एम रेडी फॉर माई स्कूल और ऑफिस। मैं अपने स्कूल या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। योर फिफ्थ सेंटेंस इज आई एम लीविंग फॉर स्कूल या फिर आई एम लीविंग फॉर वर्क। मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं काम पे जा रहा हूँ। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट। मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभार लेट हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम लेट हो ही जाते हैं, लेकिन इस लेट होने को अपनी आदत बना लेना, यह बहुत बुरी बात है। सो ट्राई करिए, जल्दी उठिए, टाइम पे घर से निकलिए, ताकि टाइम पे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। तो फ्रेंड्स, हमारा सेवन सेंटेंस है वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। हमारा एट्थ सेंटेंस है दैट्स सो काइंड ऑफ यू। जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना हो, किसी को कहना हो कि आपने मतलब बहुत अच्छा किया हमारे लिए, तो हम ऐसे बोलते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया, या आपने बहुत अच्छा किया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लॉन्ग टाइम नो सी। जब हम काफ़ी दिनों से किसी से मिले ना हो और अचानक वो इंसान हमें मिल जाए, तो हम उससे कहते हैं यार बड़े दिन हो गए, दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहते हो। सो लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। नंबर 10 पे हमारा शॉर्ट फ्रेज है जो कि है डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है। आर 11 सेंटेंसेस वी आर गोइंग आउट, आर यू जॉइनिंग अस। हम बाहर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। आर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डिडंट अंडरस्टैंड या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आपने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। बट आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको वो समझ ज़रूर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको सच में समझ आया। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प हो सकती है, तो उनके साथ शेयर करिएगा।
और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज्वाइन करिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हम और आप इस इंग्लिश की जर्नी में एक साथ आगे बढ़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 13th सेंटेंस है, आई विल कैच यू लेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको बाद में पकड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि बाद में मिलते हैं या मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ या बाद में मिलूँगा। और सेंटेंस नंबर 14 इज़ बाय गॉड्स ग्रेस माई वर्क इज़ गोइंग ऑन गुड। भगवान की दया से मेरा काम अच्छा चल रहा है या मेरा काम अच्छा जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डेयर यू। जब भी हमें गुस्सा आता है किसी पे और किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया हो जो हमें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे तो हम उसको बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। और जब हमें किसी पे और ज़्यादा गुस्सा आए तो हमारा 16th सेंटेंस ये है गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ज़्यादातर मम्मी ही कहती हैं अपने बच्चों से, क्योंकि मम्मियों को परेशान करते हैं बच्चे तो वो बोलती है भाग जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई साइट। और नेक्स्ट शॉर्ट फ्रेज इज़ वॉच आउट, ज़रा ध्यान से, ज़रा संभल के। हमारा सेंटेंस नंबर 18 है कम वॉट मे, चाहे जो हो जाए। जब हम किसी ज़िद पे अड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम हमने करना ही करना है, कम वॉट मे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो। सेंटेंस नंबर 19 इज़ वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो या किस बारे में बात कर रहे हो। जब हमें इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में और वो हमें अच्छे से पता ना चले तो हम भी पूछते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यार बात क्या कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। या फिर अगर किसी की बात हमें सच ना लगे तब भी हम बोलते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है। हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20 है हैव अ नाइस डे। जब भी हम किसी से अलविदा लेते हैं, किसी को बाय बोलते हैं तो बोलते हैं हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा जाए। इससे क्या होगा, सामने वाले के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी और वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाएगा। और किसी को खुश करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और इंग्लिश सीखते रहिए। रोज़ मेरे चैनल पे आइए, वीडियोस देखिए और आप इन वीडियोस से ही एक दिन एक परफेक्ट इंग्लिश लर्नर, एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, योर इंग्लिश टीचर इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।